दोस्तों ये देख सकते हो ना आप नज़ारा पीछे का, ये जो है नंदा देवी पर्वत है और कौसानी में हम लोग अभी सारा जो व्यू है ना, अभी सनराइज बिल्कुल होने वाला है। 5-7 मिनट बाद सूर्य जो है बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे सन, और उसके साथ ही जो है ना ये बिल्कुल खिल जाएगा आपके चारों चारों तरफ ना। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, अभी हम लोग कौसानी में हैं और मेरे पीछे जो आप टेंट देख रहे हो ना, इसी में रात को हम लोगों ने नाइट स्टे किया था, मैं और रोहन। सो बहुत बढ़िया लगा यार, मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। टेंट में फर्स्ट टाइम रुके थे और ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे बिल्कुल खुले आसमान के नीचे आप सो रहे हो। ठंड वगैरह बिल्कुल नहीं लगी क्योंकि टेंट बहुत ही अच्छा था। डिकैथलॉन का टेंट जो है वो काफ़ी बढ़िया इसका परफॉर्मेंस है यार, मतलब हवा वगैरह बिल्कुल इसके अंदर नहीं जाती और काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। एंड अभी तो गाइज अपन बिल्कुल रेडी हैं नाश्ता वगैरह करके फर्स्ट क्लास, अब यहाँ के साइट सीन के लिए निकल रहा हूँ। टाइम कुछ अभी 11 बज रहे हैं और अब ये देख सकते हो टाइम 11 बज रहे हैं और बाइक अपनी रेडी है, बाइक को भी कोल्ड स्टार्ट कर दिया है और यहाँ से नज़ारे तो आपको सुबह दिखा ही चुके हैं। बाकी अब चलते हैं टेम्पल वगैरह, जो 2-3-4 जगह हैं जो पता किया है, और वहाँ चल के फिर बताते हैं वहाँ के बारे में क्या है कैसे हैं। सो गाइज, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुछ ऐसे नज़ारे के सामने और अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं गरुड़। गरुड़ से हम जाएंगे बैजनाथ मंदिर और उस बीच में जो नज़ारे हैं ना उसको ज़बरदस्त एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। अब हर चीज़ को तो यार कवर नहीं कर सकते, बट जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही है, जो ज़बरदस्त लग रही है, एडवेंचरस लग रही है ना, वहाँ पे रुक के उस चीज़ को ज़रूर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे आप देख रहे होंगे ना, जो माउंटेन्स है बिल्कुल स्नो से भरे हुए, लदे हुए बिल्कुल ज़बरदस्त, और वहाँ से जो हवा आ रही है ना गाइज इतनी ज़बरदस्त और इतनी ठंडी आ रही है और सामने बिल्कुल सन है, तो मतलब दोनों का मिक्सचर है और काफ़ी मज़ेदार है और अल्टीमेट है। मतलब इन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए ना, मतलब इसको आप फील करने के लिए अगर आप यहाँ आते हो तभी इसको रियल में फील कर पाओगे। हाँ ठीक है, वीडियो देखकर आप समझ सकते हो चीज़ों को, आपके मन में विचार हो सकता है कि बस जाना चाहिए यार, तो आने लायक जगह है, बहुत मज़ेदार है। और इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें अभी दिखेंगी आपको जो वाकई में आपको एक्साइटमेंट देगी और एक्साइट करेगी इन जगहों पर आने के लिए। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बैजनाथ मंदिर और पीछे आप देख रहे होंगे कैमरे में यही मंदिर का कुछ नज़ारा है जो कि मैं बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूं। एंड बाहर से दिखाने का रीज़न यह है कि मंदिर जो जहां पे है उसके जस्ट बगल से ना ये गोमती रिवर बह रही है, जो आप सामने देख रहे हो ये गोमती रिवर है, और सामने जो वो रोड देख रहे हैं ना वहाँ पर ब्रिज वगैरह, वहीं से रास्ता आता है और बिल्कुल ब्रिज के साथ ही राइट कट है जहाँ से आप राइट होते ही आप मंदिर के एरिया में एंटर कर जाते हैं। सो अभी मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के अंदर चल के वहाँ का जो व्यू है, जो वहाँ की हिस्ट्री है, जो वहाँ की चीज़ें हैं वो आप लोगों को बताते हैं। शुरुआत करते हैं। बोलो श्री भोलेनाथ की जय। तो गाइस इसकी कुछ हिस्ट्री बोर्ड है जो एक बार मैं यहाँ पे शूट कर लेता हूँ ताकि आप लोग इसको देख सकते हो, कभी टाइम मिले तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। अभी हम भी पढ़ेंगे इसके बारे में क्या है। तो ये जूते वगैरह निकालने का है क्या? ओके ठीक है। अच्छा हिंदी बोर्ड भी है यहाँ पे, हिंदी में भी बोर्ड है। ये दोनों हमने कवर कर लिए हैं। ये कुछ है मंदिर का कैंपस, काफ़ी पुराना मंदिर है ये। एक मिनट, जूते वगैरह निकाल। अंकल कितने साल पुराना मंदिर है? 9th century का है। अच्छा ठीक है, तभी इतना ज़बरदस्त है। अब यार गाइज जूते वगैरह रिमूव किए तो हाथ तो धोने पड़ेंगे ना, ऐसा थोड़ी होता है। ये देखो यहाँ पे एक झील भी है मंदिर के जस्ट नीचे, कुछ फुट स्टेप के नीचे। यहाँ पहले हैंड वॉश करते हैं फिर मंदिर के अंदर चलेंगे। ये धो लिया भैया, हाँ हो गए हम पवित्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो चलते हैं बाबू मंदिर चलते हैं एक बार अंदर से, अच्छे से देखते हैं इसमें कितने मंदिर। वैसे तो मैंने पढ़ा था कि 18 मंदिर हैं इसके अंदर, छोटे बड़े जो भी कह लो आप। और यहाँ से देखो आप, देखो यार ज़्यादा हिस्ट्री वगैरह के बारे में तो हमें मालूम नहीं है, बट हाँ ठीक है, जो पीछे मैंने वो रिकॉर्ड किया था ना, जो उसकी हिस्ट्री का बोर्ड लगा था उसमें आप देख कर रेफ़र कर सकते हो उसको, उससे आपको पता लग जाएगा कि
इस टेंपल का हिस्ट्री क्या है, ये देखो आप। भाई हो गया मंदिर का जो अपना विजिट था, बढ़िया फर्स्ट क्लास दर्शन कर लिया, पूजा भी कर लिया, पुजारी जी से मिल लिया और भोलेनाथ के अच्छे से दर्शन किए। अंदर मंदिर देख रहे हो अभी हमारे, मतलब मंदिर के साथ साथ ही चल रहे हैं। और अब नेक्स्ट जो है या तो महात्मा गांधी के जो गांधी जी का आश्रम वो आश्रम है वहाँ जाएँगे, या तो फिर रुद्रधारी टेम जो वाटरफॉल है वहाँ जाएँगे। अभी तो भाई ये सॉल फैक्ट्री है कौसानी का जो कि आप देख सकते हो मेरे पीछे, और यहाँ पे हम लोग अभी आए थे जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, हमें कुछ खरीदना तो अभी है नहीं, तो देख लो ऐसे कभी आप आते हो। ये रोड है यहाँ से आई थी इसके ऊपर से जा रहा है जो मेन रोड है, तो वहाँ से आप आके यहाँ पे सॉल वगैरह परचेज कर सकते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके का मशीन्स है जो मशीनरी होती है जिसको यूज़ करके सॉल वगैरह बनाया जाता है। कुछ बहुत खास हाईटेक तो नहीं है टेक्नोलॉजी वैसा, बट ये है कि जो हमने अपनी आंखों से पहली बार देखा, हमने भी पहले आज तक नहीं देखा था इन सब चीज़ों को यहाँ पे, मतलब कैसे ये सब चीज़ें बनती हैं। और वीडियो के माध्यम से आप लोग भी देख पाओगे तरह तरह के यहाँ पे ना ये जो धागे वगैरह हैं रखे हुए हैं, इनके मदद से ही ये चीज़ें बनाई जाती हैं। सो चलो आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगी हों, इन्फॉर्मेटिव हो। सो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप नए हों चैनल पर। तो भाई हम लोग अब जा रहे हैं टी गार्डन, और ये जो रोड है ना जो कौसानी से आती है और टुवर्ड्स इधर जाती है ना अपने बैजनाथ धाम मंदिर की तरफ, तो उसी रोड पे आपको बोर्ड दिख जाते हैं जहाँ पे सॉल फैक्ट्री वगैरह है उसके पास में ये टी गार्डन। तो अभी जस्ट हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं एंड देखते हैं कैसा यहाँ का नज़ारा है। काफ़ी नाम सुना है यार, इसलिए मैंने कहा एक बार इसको भी विज़िट कर ही लेते हैं, तो एक बार पहुँच के देखते हैं। तो भाई देखो रोड कुछ इस तरह से है, बिल्कुल पगडंडी वाला हिसाब किताब है, पता नहीं रोड्स इसका कुछ और भी होगा, मेन रोड इतना खतरनाक रोड तो नहीं हो सकता, फिर यार फैमिली वाले हैं बच्चे लोग कैसे आएंगे। चलो हम तो फिलहाल पहुंच जाए, हो सकता है कोई शॉर्टकट होगा जिसकी वजह से ये रोड थोड़े से डेंजरस तो हैं, बट कोई बात नहीं पहुँचते, चलो एक बार पहुँच के फिर दिखाते हैं टी गार्डन क्या। भाई बेसिकली टी गार्डन यही है जो आप देख रहे हो ना, यही टी गार्डन एक्चुअली। इसके जो टहनियाँ वगैरह वो काट दी गई हैं अभी, हो सकता है सीज़न की वजह से, या अभी यहाँ पे सीज़न ना हो इस वजह से काट दी गई हो। सो ये कुछ ऐसा ही दिखता है, ये जो जितने भी आप देख रहे हो ना इस पूरे एरिया में जो प्लांट्स हैं ये टी के ही प्लांट्स हैं, बट अभी अनफॉर्चुनेटली वो अभी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, ना मैं खुद देख पाया हूँ। चलो एनीवे हम आए थे तो मैंने कहा चलो ये विज़िट कर लेते हैं एक बार, इस चीज़ को भी देख लेते हैं कैसा होता है जिस चाय को हम बहुत स्वाद से पीते हैं, तो वो नहीं है अभी फ़िलहाल। चलो एनीवे चलते हैं अब आगे। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गांधी आश्रम, तो ये सामने जो देख रहे हो ना आप ये है महात्मा गांधी जी का आश्रम, और सामने गांधी जी के स्टैचू है ये देखो, एंड ये कुछ आश्रम को बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके रखा गया ना, तो खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसके सराउंडिंग में जो नज़ारे हैं ना गाइस,
ओहो अल्टीमेट। हालांकि इस माउंटेन को तो काफ़ी टाइम से सुबह से हम लोग देख रहे हैं, बट इस जगह से जब भी आप देखोगे ना तो ये बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही अल्टीमेट है। और 1929 में गांधी जी इधर आए थे और उन्होंने इस आश्रम को सेटअप किया था, और उसके बाद उन्होंने इस जगह को स्विट्जरलैंड भी बताया था, क्योंकि वाकई में बहुत खूबसूरत है यार कौसानी जो है। आप जब भी आते हो, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत ही सुंदर जगह है, उत्तराखंड का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। इसके बाद अगर आप उत्तराखंड को और अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको मुनस्यारी भी जाना पड़ेगा, मुनस्यारी भी जाना चाहिए, तो मुनस्यारी भी अच्छी जगह है। बट इस बार हम लोग वहाँ तक नहीं जाएंगे, अपना जो ट्रैवल है वो यहीं तक का है। और हाँ गाइस, इसके अंदर ना स्टे वगैरह की फैसिलिटी भी है कि आप यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हो, 500-600 में यहाँ पे रूम्स मिल जाता है, और वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे कि अवेलेबल है या नहीं है। सो अभी तो अपन रुके हुए हैं रिजॉर्ट में ऑलरेडी, जो आपको दिखाई होगा हमारे ब्लॉग्स में, और नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो प्लान करेंगे यहाँ रुकने की, क्योंकि बहुत ही अल्टीमेट व्यू है, बहुत ही अल्टीमेट व्यू है यहाँ सर, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यार। चलो इसको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और कुछ अच्छी चीज़ दिखती है इसके बारे में और तो बताते हैं आपको। और हाँ, जब भी आप कौसानी आए तो इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करना यार, बहुत सुंदर लोकेशन पे, मतलब इसका पॉइंट जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, सामने के जो व्यू है ना बहुत ज़बरदस्त है, फोटोग्राफी वगैरह के लिए बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पे आके आप कर सकते हो। सामने देखो अभी सनसेट होगा, 1 घंटे के अराउंड में सनसेट हो जाएगा यहाँ पे, तो सनसेट का व्यू लेंगे यहाँ से हम लोग, और काफ़ी अच्छा सनसेट होता है यहाँ पे, काफ़ी पहाड़ों की सनसेट जो है, सनराइज सनसेट बहुत सुंदर होते हैं, तो उसको कभी मिस मत करना अगर आप यहाँ आते हो तो। और मज़ेदार है, बहुत अल्टीमेट है, वेदर बहुत ज़बरदस्त है, मतलब जैसे दिल्ली में वेदर था ना बिल्कुल गंदा सा, फॉग स्मॉग एंड ठंड, सर्द ठंडी मौसम, ठंड तो यहाँ भी है नो डाउट, ठंड है, बर्फीली हवाएं यहाँ भी है, और जो खिली हुई धूप है ना उससे उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो को देखकर ज़रूर इन्जॉय करेंगे। तो वीडियो को देखना गाइस, पूरा देखना, अच्छे से देखना, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, कई बार बोल रहा हूँ इसलिए कि अभी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना। आने वाले टाइम में और भी ट्रैवल ब्लॉग्स आप लोगों को मैं दिखाता रहूँगा, क्योंकि प्लानिंग बहुत अच्छी है, अभी बहुत लंबी जोड़ी प्लानिंग है, इसको एग्जीक्यूट करना है, सो इट विल टेक सम टाइम, बट बने रहना चैनल पर, हमारे साथ जुड़े रहना, सपोर्ट करते रहना। तो जी हम लोग साइट सीन वगैरह करके जो भी यहाँ के 3-4 जगह थे ना उसको एक्सप्लोर करके अब आ चुके हैं अपने रिजॉर्ट पे, और रिजॉर्ट की छत पे इस टाइम है, और छत से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जो यहाँ पे अभी सनसेट का जो कुछ नज़ारा है सामने आप देख सकते हो, जो मॉर्निंग में आपको दिखाया होगा हमने सनराइज़ का नज़ारा दिखाया था वो भी इसी माउंटेन से दिखाया था, यहाँ से सुबह सनसेट सनराइज़ हुआ था, और अभी सनसेट होने के बाद सामने देखो एक तरफ पे ना यहाँ पे सामने मून भी है, ये मून मैं आपको दिखाता हूँ कितना, मतलब एक अल्टीमेट सा है, मतलब अभी दिन ही है, अभी रात हो, सनसेट होने के बाद मून भी आपको दिख रहा है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे त्रिशूल पर्वत है जो कि एकदम लाल यहाँ पर इसका एक हो चुका है बैकग्राउंड, क्योंकि सूर्य जब ढल चुका है और उसके बाद जो यहाँ का व्यू है ना इतना औसम है ना, जो कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा, आई नो वेरी वेल, यहाँ पे कैमरे पे आप जितनी चीज़ों को कवर कर सकते हो, मतलब जितनी चीज़ों को आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हो वो कैमरे से नहीं देख सकते भाई और मतलब ठंड भी लग रही है यार छत पे ना, टेम्परेचर मतलब सनसेट होते ही ना बिल्कुल गजब वाला ठंड हो जाता है यहाँ। रुद्रधारी फॉल्स है, वहाँ पे एक मंदिर भी है शिव जी का, वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज हो गई, बीच में हम लोग जहाँ भी जिस रास्ते से भी जा रहे थे ना वो रास्ता इतना सुंदर था और वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे नज़ारे दिखे ना कि फ़ोटो वगैरह खिंचाते खिंचाते रील्स बनाते बनाते टाइम काफ़ी निकल गया, और टाइम निकल जाने के बाद क्या हुआ कि हम वहाँ नहीं जा पाए, और वैसे भी क्या है सनसेट होते ही ना टेम्परेचर एकदम डाउन होता है बहुत ज़्यादा, अभी हवा वगैरह बिल्कुल नहीं चल रही है, उसके बावजूद भी जो कनकनाहट वाली ठंड होती है ना हड्डी गलाने वाली वो ठंड है इस टाइम पर, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है आप पीछे देख रहे होंगे जो माउंटेन्स हैं वो बिल्कुल बर्फ़ से लदे हुए हैं, स्नो से लदे हुए हैं, हालांकि स्नोफॉल भी यहाँ प्रिडिक्टेड है, 1-2 दिन में स्नोफॉल भी होने वाला है। तो गाइस अभी बोनफायर हमने किया था बहुत ज़बरदस्त वाला, और ठंड काफ़ी तेज़ है अभी इस टाइम पे ना, अभी कुछ शाम के 7 बजे हैं और 7 बजे इतनी तेज़ ठंड हो गई थी तो बोनफायर तो होना ही था, और बहुत मज़ेदार रहा, मज़ा आ गया, पूरा बॉडी हीटअप हो गई रखी, तो डिनर अभी बन रहा है, डिनर बनने के बाद डिनर करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं।
तो भाई डिनर आ चुका है अपना, और आज डिनर में क्या है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इनको शाम को बोला था भैया को मुझे नॉनवेज खाना है, ठंड बहुत ज़्यादा थी तो मैंने नॉनवेज का ऑर्डर किया था। तो ये है कुछ आज का डिनर, ये चिकन है ग्रेवी वाला, रोटी एंड कुछ मिक्स वेज, प्याज है एंड लेमन है। भाई हमारा खा रहा है आज बिल्कुल वेज, ये बाहर चिकन वगैरह नहीं खाता। सो रोहन बाबू कैसी है सब्जी? बढ़िया टेस्टी। तो खाना ओवरऑल अच्छा है, कल भी हमने खाया था, खाने का टेस्ट वगैरह अच्छा लगा था। और ये यहाँ का है जो अपना रेस्टोरेंट एरिया है, नॉर्मल सा है, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सो चलो गाइस अभी करते हैं डिनर, और देन उसके बाद सोना है, कल फिर यहाँ से जल्दी निकलेंगे हम लोग, जल्दी मन 8:30 निकल जाएंगे, क्योंकि रास्ते में एक टेम्पल और है जिसको हमें देखते हुए जाना है। चलो खाने के बाद फिर मिलते हैं, बात करते हैं। तो जी डिनर वगैरह करके बॉनफायर वगैरह बट अच्छे से एंजॉय करने के बाद अब हम लोग अपने कैंप में हैं, और ये छोटा सा टेंट है इसमें दो लोगों के लिए, बट ये है कि दो लोग कंफर्टेबली इसमें सो जाते हैं। सो मस्त है अरेंजमेंट, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जब टेंट का जो ये वाला चेन वगैरह है ना बंद करते हैं ना, स्ट्रिप जब बंद करते हैं तो बिल्कुल एयर क्रॉस नहीं होता है इसमें। चलो फिर मिलते हैं कल सुबह, और आज का जो डे रहा डे टू फर्स्ट क्लास, हमने ब्लॉग बनाया, खूब सारे रील्स बनाए, फोटोग्राफी करी, तो वो सब आपको ब्लॉग में देखेगा, ग्रेजुअली जब आप ब्लॉग को देखते हो तो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड, गुड नाइट, मिलते हैं फिर कल सुबह, थैंक यू, बाय बाय।